सिर्फ मिर्च डालिए और नमक जीरा, ऑयल में प्याज और हरी मिर्च, ऑयल को थोड़ा सा आपने फ्राई कर लिया था और आप टमाटर डाल दिए, एक प्याज है, हाफ प्याज और वन टमाटर, टू टमाटर, ओके, इसको आपने कवर कर दिया। जीरा, नमक, काली मिर्च और सुर्ख मिर्च, 1 टीस्पून रेड चिली, 1/2 पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, पिंच ऑफ जीरा एंड सॉल्ट, 1/2 टीस्पून आपने डाला और टमाटर आपने नीचे प्याज मिक्स किया और गिराने की पूरी कोशिश की लेकिन बच गया। ओ माय गॉड, कलर कितना अच्छा है, ओ सही कुकिंग जो है ना, थक थक करने से होती है। अच्छा, एक अंडा, 2 अंडे, तीसरा अंडा, 4 अंडे आपने उसमें डाल दिए। अब आप इसको कवर कर देंगे, ओके, थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। ये आपने कवर उठाया है तो अब आप मिक्स कर रहे हैं। अच्छे से मिक्स करना है, को थोड़ा सा भून लें, थोड़ा सी जो जूसी है ना, जूसी जूसी सा उसको खत्म करें, थोड़ा फ्राई करना है। यह हम ब्रेकफास्ट के लिए बना रहे हैं, चम्मच को जोर से मारें तो पता चलता है कुकिंग हो रही है। कवर कर दें, मिक्स हो गई और ये रेडी है। रेडी है, बन गया। आप डिश में निकालें, फ्रोजन नहीं है ये, मैंने खुद बनाया इसको, मैंने बना के मैंने फ्रीज कर दिया था तो अभी बस इसको मैं प्री हीट कर रही हूँ। एक तरफ पराठे रेडी हो रही हैं और ये मज़ेदार सी कड़क कड़क चाय, मुझे तो ज़्यादा दूध नहीं लेना, कड़क चाय रेडी है, कड़क किस्म की।
बहुत मजे का टेस्ट आएगा आपका। ओ माय गॉड, चाय रेडी है। ये फ्रोजन पराठे जो है वो गर्म हो गए, ये एक हो गया जबरदस्त सा सॉफ्ट। मैंने इनको बनाया था कल और फ्रीज कर दिया था, तो अब बस इसको इसको हल्का सा मैंने माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए वो सॉफ्ट किया और अब मैं तवे पे सा नाश्ता रेडी है। पराठे ये हस्बैंड ने बनाया है जी, अंडे अंडा प्याज टमाटर हरी मिर्च डाल के जी, और ये चाय। ओके, नाश्ता हमारा रेडी है, अब हम इसको खाते हैं। आप भी इस तरह बनाएं, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।